पूरे पत्रकारिता जगत पर एक सेंसरशिप लगा दिया, उसको बैन करने का काम किया, जिन लोगों ने विरोध किया उसको पकड़ पकड़ के जेलों को भरने का काम किया। ये सिर्फ उनका तानाशाही रवैया था, 21 महीने तक लोगों को जेल में डाला। तो स्थितियां इतनी विपरीत थी, जिन लोगों ने उसके कुशासन के विरोध में बोला, छात्रों ने आंदोलन किया, उन्हें उठा उठा कर जेल में डालने का प्रयास किया और डाला, सबको जेल में डाला। मीडिया वाले स्वयं से कुछ लिख नहीं सकते थे, जिन लोगों ने मीडिया, कितने मीडिया पर्सन्स को जेल में डाला गया, करीब 60 लाख लोगों का नसबंदी कराया गया, कितने लाख लोग बेघर हो गए। तो स्थितियां बहुत बद से बदतर हुआ करती थी, लोकतंत्र की हत्या की गई, जनसाधारण के मौलिक अधिकारों की हत्या की गई। तो ऐसी परिस्थिति हमारे इमरजेंसी के टाइम में था। लालू यादव के गोद में जो नीतीश जी जाकर बैठे हैं ना, याद कीजिए वो दिन जब उन्हीं के युवराज ने कहा था कि सबसे बड़ा झूठा हमारा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ठीक है, और ऐसा कोई सगा जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। अभी अपने यहाँ चंद्रपारा मेडिकल के नाम से इंस्टीट्यूट खोल रही हूँ, जिसमें एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और भी अदर फील्ड की पढ़ाइयाँ उसमें होंगी। लैब टेक्नीशियन है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, ऑप्टोमेट्री है और भी चीज़ें हैं जिसकी पढ़ाई नियर फ्यूचर शुरू हो जाएगी। उस वक्त इंदिरा गांधी ने, श्रीमती गांधी ने अपने तानाशाही रवैये के कारण पूरे पत्रकारिता जगत पर एक सेंसरशिप लगा दिया, उसको बैन करने का काम किया, जिन लोगों ने विरोध किया उसको पकड़ पकड़ के जेलों को भरने का काम किया। ये सिर्फ उनका तानाशाही रवैया था, 21 महीने तक लोगों को जेल में डाला। तो स्थितियां इतनी विपरीत थी, जिन लोगों ने उसके कुशासन के विरोध में बोला, छात्रों ने आंदोलन किया, उन्हें उठा उठा कर जेल में डालने का प्रयास किया और डाला, सबको जेल में डाला। मीडिया वाले स्वयं से कुछ लिख नहीं सकते थे, जिन लोगों ने मीडिया, कितने मीडिया पर्सन्स को जेल में डाला गया, करीब 60 लाख लोगों का नसबंदी कराया गया, कितने लाख लोग बेघर हो गए। तो स्थितियां बहुत बद से बदतर हुआ करती थी, लोकतंत्र की हत्या की गई, जनसाधारण के मौलिक अधिकारों की हत्या की गई। तो ऐसी परिस्थिति हमारे इमरजेंसी के टाइम में था। आपने अभी बोला कि बिहार, बिल्कुल सही बोला आपने, आप पत्रकार लोग हैं और बिहार की स्थिति भी आप देख ही रहे हैं, जहां परिवारवाद हावी हुआ, अभी मैंने बोला ये श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, सीरिया हो, वेनेजुएला हो, जहां भी परिवारवाद हावी हुआ, खुद हमारे कांग्रेस जब तक रही आपने देखा ही है स्थिति। तो यही हाल बिहार में भी है। लालू यादव के गोद में जो नीतीश जी जाकर बैठे हैं ना, याद कीजिए वो दिन जब उन्हीं के युवराज ने कहा था कि सबसे बड़का झूठा हमारा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ठीक है, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। तो स्थितियां ऐसी है, तो ऐसी परिस्थिति हमारे यहाँ है। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक इमरजेंसी का दौर चलाने का प्रयास ये कर रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रवाद के पुरोधा है, ऐसा होने नहीं देंगे और इनका हम विरोध करेंगे ही करेंगे। और बहुत ही जल्दी 24 और 25 में हमारे बिहार की जनता और हमारे देश की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। हमारे बिहार पे आने से कुछ नहीं होने जा रहा है। सुने में आया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अपने अच्छा की, राजनीतिक के क्षेत्र में बहुत अच्छा की, और सुने में ये भी आ रहा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, शिक्षा का क्षेत्र ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा, हम लोग सब शिक्षित लोग हैं और शिक्षा के महत्व को समझते हैं और शिक्षा ग्रहण करके ही यहाँ तक आए हैं। और राजनीति एक अलग डोमेन है, वो एक, मतलब आपका इंटरेस्ट अगर उस तरफ है तो आप उधर गए हैं। मेरा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स के तरफ, इसलिए रुझान है, इसलिए मैं उधर गई। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, स्कूलिंग से लेके, कॉलेज से लेके मेडिकल की पढ़ाई सब कुछ किया। तो मुझे ये रिक्वायरमेंट लगता है वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, अगर मैं अपने तरफ से कुछ उन्हें दे पाऊं, तो उसके कारण मैंने ऐसा कुछ प्रयास किया, एक छोटा सा शुरुआत करने का कोशिश किया है। और देखिए, ईश्वर की कृपा, ये कहां तक सफल हो पाता है, लेकिन मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगी। मैं अभी अपने यहाँ चंद्रपारा मेडिकल के नाम से इंस्टीट्यूट खोल रही हूँ, जिसमें एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और भी अदर फील्ड की पढ़ाइयाँ उसमें होंगी। लैब टेक्नीशियन है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, ऑप्टोमेट्री है और भी चीज़ें हैं जिसकी पढ़ाई नियर फ्यूचर शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट सिनारियो, अभी के लोगों के लिए ये डिमांड है। और टेक्निकली अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है लोगों को। तो ऐसे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी देखेंगे, मान लीजिए स्टाफ लोग हैं तो वो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट भी इस दिशा में काफ़ी काम कर रही है, हमारी सरकार भी काफ़ी काम कर रही है, स्टार्टअप इंडिया के तहत काफ़ी काम हो रहा है, कौशल विकास योजना के तहत काफ़ी काम हो रहा है। हम लोग भी सोचे कि एक स्टार्टअप शुरू करें, एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है।